ऐसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपके एग्जाम नज़दीक हैं और आपकी जो 12th बोर्ड भी है वो भी नज़दीक आ रहे हैं। टाइम निकलता जा रहा है, इसीलिए टाइम का मैनेज करके आप इनको पढ़िए। आज है आप मॉक टेस्ट पेपर एनडीए के लिए, तो एनडीए के लिए मॉक टेस्ट पेपर, जैसा कि मैंने कहा था कि आठवां पार्ट चल रहा है, आठवां भाग चल रहा है। आठवें भाग के अंदर चौथा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके मॉक टेस्ट पेपर होने जा रहा है। तो बच्चों आज आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है। सभी बच्चे रेडी हैं? तो ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा फिर उसके आंसर बताऊंगा आपको। तो देखिए, मॉक टेस्ट पेपर नंबर थर्ड है आपके पास। पहले क्वेश्चन हो चुका द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होगा? dy अपॉन dx बराबर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इज। ये चार ऑप्शन है, y बराबर 2 tan x by 2 माइनस x प्लस c, y बराबर tan x by 2 माइनस 2x प्लस c, y बराबर tan x माइनस x प्लस c, none of these। तो बच्चों आप सब तैयार हैं, रेडी? अपनी कॉपी में लिखिए, सबसे आंसर पूछूंगा मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx बराबर 2 की पावर x प्लस y इज। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर c, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस y बराबर c, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y बराबर c, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन है, तो बताना है। सब रेडी है? अक्षत, दक्ष, सब? यस। तो देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dy प्लस y dx बराबर 0, x प्लस y बराबर c, x y बराबर c, log x plus y बराबर c, none of these। next question number fourth है the solution of differential equation। सभी अपने अपने कॉपी में नोट करते चलिए, सॉल्यूशन निकालिए। dy upon dx बराबर e की पावर x plus y plus x square e की पावर y is। तो क्या करेंगे, e की पावर y कॉमन निकालेंगे और सॉल्व करना है। e की पावर x minus y plus x cube upon 3 बराबर c, e की पावर x plus e की पावर minus y plus x cube upon 3 बराबर c is। e की पावर x minus e की पावर minus y बराबर एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर पांच, कितना इजी। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? मैंने बताया था थ्योरी के अंदर ऑर्डर और डिग्री, तो इस तरह से आपको इसकी डिग्री बतानी है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब बराबर 0। बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। राकेश रेडी? अच्छा ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होगी? है डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 2/3 प्लस, क्या लिखा अपन ने, 4 माइनस 3 डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 5 डी बाई अपॉन डी एक्स। ये आपके पास है, तो आप इसका ऑर्डर और डिग्री, केवल डिग्री बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, जिसमें थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है आपके पास। log dy / dx + x = 0। नेक्स्ट तो चार ऑप्शन है, y plus e की पावर x बराबर c, y minus e की पावर minus x बराबर c, y plus e की पावर minus x बराबर c, y minus e की पावर x बराबर c। लास्ट आठवां है द इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक क्या होगा? x cos x dy / dx + x sin x + cos x y = 1 इज। बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक क्या होगा? तो इस टाइप से एनडीए के पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो आपको एनडीए में लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बच्चों इनको करिए, करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। ये चार ऑप्शन है, तो राकेश बताइएगा पहले का, क्या पहले का बता रहे भाई साहब? फर्स्ट बिल्कुल सही आपका फर्स्ट ऑप्शन। हाँ भाई, सेकंड का आंसर बताया अपने, सेकंड का कौन सा? अच्छा सेकंड, बिल्कुल सही आपका आंसर भी। थर्ड का ऑप्शन है? हाँ भाई थर्ड का, यस, कौन बता रही है? अच्छा है, तो आपका कौन सा बताया? थर्ड का सेकंड, बिल्कुल सही है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आंसर आपके पास e की पावर x फोर्थ, सेकेंड ऑप्शन बताया आपने, बिल्कुल सही है। हाँ भाई राकेश, कौन सी डिग्री बता रहा है? क्या बताया? तीन। तीन तो आपका गलत है भाई साहब, आप इस तीन को देख के बोल रहे पावर को, तीन ये नहीं है, इसकी डिग्री दो आएगी, क्योंकि जब आप रूट को ले देंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसकी डिग्री दो आएगी। गलत निकल गया राकेश आपका।
सिक्स है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द, इसकी डिग्री क्या है मनीष, कौन सा फोर्थ, भाई गलत आपका, सेकंड ऑप्शन आएगा द जनरल सॉल्यूशन। हाँ भाई सातवें का क्या आंसर है, सातवें का आंसर बता रहे थर्ड, बिल्कुल सही आपका। और आठवें का आंसर आपके पास कौन सा है मनीष, क्या आंसर बताया आपने आठवें का, आठवें का आंसर है क्या बोल रहे हैं सेकंड, सेकंड गलत है आपका आंसर, आपका आंसर आएगा थर्ड, थर्ड आंसर आपका बिल्कुल राइट है। इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करिए, अपने पास संभाल के रखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके जी मेन्स में एनडीए में तो आएंगे आएंगे, ट्वेल्थ बोर्ड में जी मेन्स में ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन है सबके अंदर ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इनको ज्यादा ज्यादा करें। और ऐसा लग रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे इनको, मैंने आपको कहा था मैं सिलेक्शन करा के आपको छोड़ूंगा चाहे माने चाहे नहीं माने, इसीलिए आप इसको करना जरूरी है, तो इसीलिए आप इनको करिए, टाइम को मैनेज करके आप इन सवालों को करिए और आपका सिलेक्शन 100% होगा।